इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मौजूदा वोटर्स लिस्टों पर ज़मीनी इंतखाबात ना कराने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आइन की खिलाफ वर्जी है। मई में नई वोटर्स लिस्टों को हतमी शक्ल दे देंगे। सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मौलवी अनवारुल हक ने कहा है कि फौज ने मंसूर एजाज की सिक्योरिटी के लिए एक अफसर मुकर्रर कर दिया। अकरम शेख के जवाब का इंतजार है, सिक्योरिटी का इंतजाम हो जाएगा। मेमोगेट स्कैंडल के मरकजी किरदार मंसूर एजाज ने सिक्योरिटी वजूहात पर पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। मंसूर एजाज बैरूनी मुल्क बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार है। अकरम शेख एडवोकेट ने कमीशन को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। हुसैन हकानी भी मैदान में आ गए। मंसूर एजाज के खिलाफ मेमो कमीशन में दरखास्त दायर कर दी। कहते हैं मंसूर एजाज कमीशन के सामने पेश नहीं होते तो इनका बयान देने का हक मंसूख कर दिया जाए। पीआईसी अद्वियात स्कैंडल, पंजाब हुकूमत ने 5 अद्वियात को ममनुआ करार दे दिया, जबकि इजलास के ईडीओस को मेडिकल स्टोर और अस्पतालों से अद्वियात की वापसी यकीनी बनाने की हिदायत। बालाई पंजाब, शुमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मुकामात पर बारिश। मुल्क की हसीन वादियों में बर्फबारी, मौसम मजीद सर्द हो गया। और स्पेन में बच्चों को बलाओं से महफूज रखने के लिए बेबी जंपिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया।